सभी राज्यों को लागू करनी पड़ेगी यूपीएस, शिवगोपाल को रही सूचना। राष्ट्रीय परिषद के सचिव ने कई सवालों के लिए दिए जवाब। ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन के महासचिव और कर्मियों की राष्ट्रीय परिषद के सचिव शिवगोपाल मिश्रा का कहना है कि यूपीएस को सभी राज्यों को लागू करना पड़ेगा। ये मुद्दा देश भर के कर्मचारियों का है। मिश्रा ने अमर उजाला के बातचीत में कई महत्वपूर्ण सवाल और जवाब दिए। जे कि शिवगोपाल मिश्रा जी थे केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन पक्षर मुख्य थे, सब सरकार सहित डील करूले। एकीकृत पेंशन योजना पुरानी पेंशन से किसी तरह अलग है, केमिति अलग रही पुराना पेंशन ठारो से कहते उत्तर। पुरानी पेंशन में कर्मचारियों को किसी तरह का अंशदान नहीं करना पड़ता था। एकीकृत योजना में नई पेंशन की तरह 10% अंशदान जारी रहेगा, लेकिन सरकार इस राशि के बदले नए तय फार्मूले पर एकमुश्त राशि का अलग से भी भुगतान करेगी। सरकार ने सुनिश्चित पेंशन के लिए अपना अंशदान भी 14% से बढ़ाकर 8.5% कर दिया है। तो से पुराना पेंशन में कौन से अंशदान बिना होता ठीक केवल अंशदान रही पुणी प्रश्न पचरा जाए तो ये प्रश्न रही कर्मचारी का अंशदान पूरा फेरस्त हो कि ना ये उत्तर रही। आमर दाबी थी सरकार कर्मचारी अंशदान पूरा फेरस्त करने कि सरकार गोटे फर्मूला अनुसार एकमुश्त देने पर सहमत हुई। पूर्ण पेंशन के लिए 25 साल की शर्त का क्या मतलब, 25 साल का मतलब 25 साल अर्थ कौन रही। पूर्व 35 वर्ष थिला सेवा कले पूर्ण पेंशन मिलूला, एवं 25 वर्ष को निया जाए तो यह त्रुटिपूर्ण, यह आगुरी 25 हो सारी। न्यूनतम पेंशन का क्या फर्मूला, 10 वर्ष सेवा करिले 10,000 टंका अति कम ने मिल। आउ जो मैंने रिटायर हेबे एबे से माने अति कम रे 15,000 टंका पाइबे बोली कहिसेंति। कर्मचारी पेंशन जोटा रही समाधान हो गला कि से कहते हाँ जे नुआ पेंशन न्यू पेंशन स्कीम रे 2,000, 3,000, 4,000 लेखे पाते किंतु एठी निश्चित भाव तापे अधिक पाइबे बोली कहते। देखिबा परवर्ती अपडेट। तो समस्त मनरे द्वंद्व जे किपरि कार्यकारी हेबो एवं आमको 60% एनपीएस शेयर जोटा आम ड्र करते ना तो से विषय तो साइलेंट रही यूपीएस रो गाइडलाइन बद्यावधि जहाँ आसी कि गोटे कथा कही रखा जो गाइडलाइन टी आसी तो निश्चित भाव देखिपु थे यहीटा थिला पार्लियामेंट नोट कैबिनेट डिसीजन 24 अगस्त एवं से जहाँ लेखा अच्छी से कथा को आम देखा से जहाँ मुझे आनालाइसिस कर से अनुसार मुझे कहि आपण मन को। तो सब बड़ कथा रही प्रोविजन्स ऑफ यूपीएस विल अप्लाई टू पास्ट रिटायरीज ऑफ एनपीएस हु हैव ऑलरेडी सुपर अनवेटेड। जो मैंने सुपर अनवेटेड से मानक ये पॉइंट रही उद्दिष्ट से इनक्लूड कर एरियर फॉर पास्ट पीरियड विल बी पेड विथ इंटरेस्ट एट द रेट पीपीएफ रेट्स इंटरेस्ट सहित से मानक एरियर देवाक जाऊँ सरकार। प्रश्न उठुची कौन संपर्क रही एनपीएस विड्रॉ निश्चित भाव जो मैंने एनपीएस रे रिटायरमेंट हो सारी तो निश्चित से मैंने 60% विड्रॉ कर सारी से सरकार इनक्लूड कर इंटरेस्ट सहित एरियर गुड़ी को दबा को कोट तो लेखा जाए ना 60% जोटा ड्र कर रिफंड करेंगे बोली तो ए अनालाइज करी जे निश्चित भाव 60% जमी मिलूला मिल सहित आपण को गोटे जोटा रही सरकार
देखो ये एमोलमेंट पे प्लस डीएर वन बाय टेन्थ अर्थात आपण को प्रति छमास चाकरी कले आपण को गोटे वन बाय टेन्थ मिलूँ अर्थात वर्ष को टू बाय टेन्थ पांच वर्ष हेले आपण टेन बाय टेन अर्थात पांच वर्ष हेले आपण गोटे फुल मास दरमा पाउछंती पचीस वर्ष हेले पांच मास दरमा फुल पाउछंती तो ये एमोलमेंट टी मध्य मिलुची एवं यहाँ ग्राचुइट सहित कौन सी लेनदेन नहीं कहीं देखु ये लिखा जा लमसम अमाउंट एट सुपरनेशन इन एडिशन टू ग्राचुइटी ग्राचुइटी सहित आपन को यहाँ मध्य मिलवाक जाऊँगी तो निश्चित भाव यह ओपीएस भली लाभदायक ना निश्चित एनपीएस ठार लाभदायक आम कह तो देखा आउ गोटे प्रश्न पचारे जे दस वर्ष रु ऊर्ध आ पचीस वर्ष रु कम थिले केते लेखाए कौन मिल विषय डिस्कशन करवा तो देखो तो दस वर्ष चाकरी अतिक्रम कर दस हजार प्लस डीए थी एगार वर्ष देखु बैश परसेंट प्रपोर्शनेट हिसाब करा जाए बार वर्ष हेल्ले चौबीस परसेंट तेरह वर्ष हेल्ले छब्बीस परसेंट चौदह वर्ष हेल्ले अठाईस परसेंट पंद्रह वर्ष तीस परसेंट षोह वर्ष बैश बतीस परसेंट सतर वर्ष चौतीस परसेंट सबुति डीए मिशुची अठर वर्ष छत्तीस परसेंट उन्नीस अड़तीस कोड़े चालीस एकुश रही बयालीस बैश चौरालीस तेईस छयालीस चबीस अड़चाश पचीस रही पचास परसेंट एवं सबुथे डीए आड हो रोचे डीए मध्य क्लारिफिकेशन रही डीएटा को सब बड़े कह जाए डीएनएस रिलीफ कौथे ना आमर पेंशन डीआर एवं आमर रही जोटा सालरी डीए कह जाए तो निश्चित भाव रही गोटे बड़ खबर देखा परवर्त अपडेट यूपीएस योजना को अपणला महाराष्ट्र केन्द्र कैबिनेट शनिवार नूतन पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन को अनुमोदन करने एवं बीजेपी शासित राज्य में अपणवे लगी केन्द्र योजना संपर्क में घोषणा कर ठीक दिनक अर्थात रविवार महाराष्ट्र कैबिनेट पेंशन योजना को अनुमोदन कर प्रकाश जे यही योजना को अपणाइबा किंवा न अपणाइबा नहीं राज्य सरकार का निजस्व निष्पत्ति गतकाल केन्द्र पक्षर स्पष्ट करा जाइथला तबे महाराष्ट्र सरकार प्रथम राज्य सरकार भाव यही योजना को अनुमोदन करिसेंती जदि समस्त राज्य यही योजना को अपणाती अर्थात राज्य सरकार के अधीन में काम करथिया कर्मचारी माने मध्ये एथिरे जोग दियंती तबे हिताधिकारी संख्या नबे लक्ष को वृद्धि पाइबो सूचना योग्य जे यही योजना रे सरकारी कर्मचारी को पचास परसेंट निश्चित पेंशन प्रदान करा जाइछि या व्यतीत यही योजना निश्चित परिवार पेंशन निश्चित सर्वनिम्न पेंशन मुद्रास्फीति सहित सूचकांक और ग्राच्युटी व्यतीत अतिरिक्त देय मध्य अंतर्भुक्त रही देखिबा परवर्ती अपडेट ओपीएस रे पेंशन पचास परसेंट प्लस डीए थिला एनपीएस रे ताहा नथिला मार्केट लिंक रहुथिला यूपीएस रे रहिछि पचास परसेंट प्लस डीए देखंतु पूरा सेम टू सेम रहिछि कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय एठी नथिला एटि दस परसेंट बेसिक प्लस डीएर थिला किंतु एटी मते से दस परसेंट बेसिक प्लस डीएर रही विड्रॉल ऑफ कम्यूटेड कॉर्पस एटी होल अमाउंट ऑफ जीपीएफ को विड्रॉ करि होतला एटी सिक्सटी परसेंट विड्रॉ करि होतला आउ फोर्टी परसेंट इन्वेस्ट होतला एटी मेंशन करा जाय जे एनालिसिस करिछु कहिछु जीपीएफ थिला एटी नथिला एटी भी नाही इन्फ्लेशन डीए जोटा दुई वर्ष वर्ष को दुई थर एनपीएस रे नथिला यूपीएस रे अच्छी कंट्रीब्यूटेड मनी विड्रॉ करि होतला वर्ष को थरे एठी नाही विड्रॉ करि हो नथिला लमसम अमाउंट एठी नथिला एठी भी नथिला किंतु एठी आपणकर पचीस वर्ष चाकरी कले पांच मास रो आपण पाई परिबे दरमा लास्ट दरमा भीआरएस एठी नेले एलिजिबल रहुतले पेंशन पाई एठी ओनली 20% परसेंट कमिटेड कर्पस पाते 80% परसेंट इनभेस्ट होता एटी एलिजिबल हो पारती आपण आक्चुअल रिटायरमेंट डेट्रे मिनिमम पेंशन एटी 9000 प्लस डीए थी एटी 10000 प्लस डीए रही एटी नथिला एटी फैमिली पेंशन 60% परसेंट रोला बेसिक्र 30% परसेंट रोला फैमिली पेंशन ना एटी ओपीएस फैमिली टिल डेट 60 इयर्स
50% बेसिक आफ्टर दिस 30% थिला या ठीक किंतु 30% ऑफ दि फैमिली पेंशन रही तो निश्चित भाव रही बड़ खबर देखा परवर्ती अपडेट। यूपीएस को राज्य अर्थ विभाग रे प्रक्रिया आरंभ होई एवं ओडिशा रे मध्य लागू हेबो यूनिफाइड पेंशन स्कीम उपकृत हे राज्य 450,000 सरकारी सप्ताह भितर घोषणा कर पारे राज्य अर्थ विभाग। तो निश्चित भाव यह सब बड़ प्रश्न थिला एवं ओडिशा रे मध्य लागू होगापी केते जन पचारुथले जेहेतु बीजेपी राज्य शासित राज्य महाराष्ट्र मध्य करि सारिलेनी एवं ओडिशा मध्य आसंता सप्ताह करबा को जाउछंती तने सीता रे जुटे बड़ खबर।